नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वी फाइजर लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसके बेस पे टेक्निकल पैटर्न भी चेक करेंगे और ये स्टॉक में अभी हमें क्या करके चलना चाहिए, क्योंकि काफी दिन से स्टॉक में करेक्शन चल रहा है। तो ये स्टॉक को हमें आगे के लिए अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं या तो फिर यहाँ से इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है, उस हिसाब से आप वीडियो का एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और आप सबको एक वीडियो बता दूं फ्रेंड्स, ये वीडियो को जरूर आपको देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे एक बढ़िया सा म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है, ये वीडियो में पूरा डिटेल समझाया हुआ है, ये वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर जो भी स्टॉक मार्केट में न्यूली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए, उनका मन में जो भी डाउट रहेगा ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे पी फाइजर लिमिटेड कंपनी के बारे में, एक मिडकैप रेंज का कंपनी है और कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो ये स्टॉक में कुछ काफी करेक्शन चल रहा है, अभी स्टॉक का रिजल्ट भी आ चुका है, तो रिजल्ट एक बार पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो दिसंबर का जो रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट में यहाँ पे 676 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। अगर इसी हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट दिसंबर को 593 करोड़ का सेल्स देखने को मिला था, तो सेल्स में तो अच्छा सा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। अगर इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे दिसंबर टू दिसंबर प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, पहले दिसंबर 2020 को यहाँ पे 141 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था नेट प्रॉफिट, अभी अगर देखते हैं यहाँ पे 144 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि 2% का ओनली प्रॉफिट में राइज देखने को मिल रहा है। इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखते हैं तो यहाँ पे फ्लैट नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट में। फ्रेंड्स, इसी हिसाब से अगर कंपनी का नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है यहाँ पे 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ पे आरओसी 23 का आरओसी है। अगर हम देखेंगे तो ये एक डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ओनली 0.2% का डेट है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे एक बेहतरीन प्रमोटर होल्डिंग है, 63.9% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो था यहाँ पे 6,175 है, स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 4,471 पे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि स्टॉक को लेना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी 28% का करेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे ये स्टॉक में, सॉरी फ्रेंड्स, तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे स्टॉक में, सॉरी फ्रेंड्स बीच में एक फोन आ गया था। फ्रेंड्स, अगर इसी हिसाब से हम देखेंगे स्टॉक में एक 28% का करेक्शन आ चुका है और स्टॉक ऐसे पहली बार ऐसे गिरावट देखने को मिल रहा है या उससे पहले भी इससे गिरावट देखने को मिला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे फ्रेंड्स। इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं ये स्टॉक में, एक चीज अभी नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे ये स्टॉक में एफआई का थोड़ा सा खरीदारी बढ़ा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2.07% का एफआई का होल्डिंग था, अगर दिसंबर 2021 को देखेंगे यहाँ पे 2.13% का यहाँ पे एफआई के पास में होल्डिंग है। तो इस हिसाब से अगर हम रिजर्व की बात करेंगे, रिजर्व में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आया है। अगर हम सितंबर का रिजर्व है जो कि 2,536 करोड़ का देखने को मिला है। बोरोइंग यहाँ पे बहुत कम बोरोइंग है, जो कि 48% का बोरोइंग है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर और एक चीज, और एक इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अगर देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए स्टॉक में 2.28% का गिरावट देखने को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए वहां पे डिलीवरी कितना क्वांटिटी देखने को मिल रहा है, 2,18,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया 1,73,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 79% का डिलीवरी है फ्रेंड्स। आप सोच रहे हैं ये स्टॉक में कुछ धमाका तो जरूर होने वाला है, क्योंकि 79% का डिलीवरी उठाया गया, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इसका एक बार पुराना भी पैटर्न चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स का मन में सवाल है कि काफी गिरावट हो चुका है स्टॉक का और नीचे नहीं जाएगा, इसके लिए हम पुराना एक बार चार्ट पैटर्न भी फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। देखिए स्टॉक जहां पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, स्टॉक में कितना परसेंटेज का करेक्शन हुआ एक बार जरूर देख लीजिए, यहां से लेके अगर अभी तक का देखेंगे ये स्टॉक में एक 28% का करेक्शन आ चुका है। ठीक है, तो अभी स्टॉक जो ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे 4,473 पे। अगर ये स्टॉक में हम देखेंगे इससे पहले, उसके लिए हमें एक बार वीकली चार्ट पैटर्न ओपन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए ये स्टॉक एक बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया, एक मल्टी भी अगर स्टॉक रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कितना कितना परसेंटेज का करेक्शन हुआ है वो हमें जरूर एक बार देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर हम पहले देखते हैं
यहाँ पे जो 28% का करेक्शन हुआ है उससे पहले एक बार देख लीजिए स्टॉक में कितना परसेंटेज का करेक्शन आया था। अगर हम देखते हैं इसी हिसाब से ये स्टॉक में एक 25% का करेक्शन आया था जो कि फरवरी में आया था, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो लास्ट फरवरी में आया था, ठीक है, एक साल पहले। अगर इसी हिसाब से फिर से अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक में कितना परसेंटेज का करेक्शन आया, एक बार जरूर देखिए यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये स्टॉक में 34% तक स्टॉक गिरा था, ठीक है ना, 34% तक स्टॉक गिरा था यहाँ पे दिसंबर 18 में, 2018 दिसंबर में। अगर इसी हिसाब से अगर लास्ट भी आप जाके देखेंगे यहाँ पे एक भारी गिरावट हुआ था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2016 में, 2016 मार्च में स्टॉक का जो लो प्राइस था देख लीजिए कहाँ तक आ चुका था। स्टॉक में एक 40% तक का करेक्शन हुआ था, ठीक है। इसका नेचर है, स्टॉक का ऐसा पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये चीज को हमें जरूर अपना ध्यान से रखना है। तो स्टॉक में जब एक हेल्दी करेक्शन आ चुका है तो इसी हिसाब से अभी अगर इस स्टॉक में हमें एंट्री लेंगे तो मुझे लगता है इतना ज्यादा कुछ रिस्क नहीं है। आप इस स्टॉक को बिल्कुल, रिजल्ट भी कुछ बुरा नहीं है, तो अगर इसी हिसाब से इस स्टॉक में अभी अगर आप एंट्री करके चलते हैं तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा और रिटर्न भी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। स्विंग ट्रेड में आप अगर यहाँ पे पिक करके चलते हैं, अगर आप जाएंगे यहाँ तक, अगर इसको ट्रैक करके चलते हैं यहाँ पे 6172 तक, अगर ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं, आपको 38% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। अगर एक साल भी लग जाए मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता है, आप सबको पता है कि 30% का मैं बात हमेशा करता हूँ, तो यहाँ पे एक 38% का आपको गेन मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आरएसआई की बात करेंगे, स्टॉक का आरएसआई देख लीजिए, 32 पे अभी आरएसआई चल रहा है, ठीक है। आरएसआई भी एक बढ़िया सा रेंज पे है। अगर हम बात करेंगे मूविंग एवरेज भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक चल रहा है, 28% का करेक्शन है, और उस सारे पैरामीटर हमारे पास में बिल्कुल सुपर है। अगर इसी हिसाब से आप बात करें, यहाँ पे डिलीवरी डाटा भी देख लीजिए, सारे हमारे फेवर में है। मुझे लगता है ये स्टॉक में हम अभी पोजिशन बना के चल सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट डाटा बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हमेशा अगर कोई भी कंपनी का रिजल्ट अभी आ रहा है, इमीडिएटली अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो आपको अगर ऐसे जैसे ट्रैक करना है कि कौन सा कंपनी का रिजल्ट कब आ रहा है, आपको मैंने पहले भी कई बार बताया हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रिजल्ट पे जब क्लिक करेंगे ना, सारे कंपनी का रिजल्ट आ जाएगा। आपको सबको पता है कि अभी आरती इंडस्ट्रीज का क्या रिजल्ट आया है, देखिए जबरदस्त रिजल्ट आया है, सुपर फार का इसका रिजल्ट आया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे ना, यहाँ पे देखिए 772 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। ये क्विकली एक बार देखने के लिए आपको यहाँ से बेहतरीन, आपको एक आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी स्टॉक है तो उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं तो इसे क्विकली आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट किया आरती इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। ये स्टॉक में भी कल एक बढ़िया सा एक देखने देख सकते हैं कि बढ़िया सा एक रैली आ सकता है स्टॉक में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपने किसी को नहीं देखा है तो ये वीडियो को जरूर देख लीजिए। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, काफी सारा फ्रेंड्स बोलते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें लेके चलना है। आप तो हमेशा हर कोई स्टॉक बताते रहते हो, सब स्टॉक में बोलते हो कि स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो भी आप लोग देख रहे हो ना, जो भी एक्चुअल जेन्युइन व्यूअर है, जो आप हमेशा मेरा वीडियो देखते हो, आप सबके लिए मैं बता दूं, ये जो बेस्ट स्टॉक में बोलता हूँ ना, जहाँ पे थंबनेल में लिखता हूँ बेस्ट 7 स्टॉक हुआ, यहाँ पे बेस्ट स्टॉक जहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्वालिटी स्टॉक, बेस्ट स्टॉक, ये सारे स्टॉक को आप लेके चलिए, ठीक है, बेहतरीन रिटर्न है। ये सारे जो बेस्ट स्टॉक लिखता हूँ ना, ये सारे मेरा पोर्टफोलियो में होता है। यहाँ पे देखिए बेस्ट 5 स्टॉक है, ये पोर्टफोलियो में मेरा ही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेस्ट 10 स्टॉक है, ये भी मेरा पोर्टफोलियो में है, ठीक है। तो इसी हिसाब से यही सारे स्टॉक को आपको कंसिडर करके चलना चाहिए, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, बढ़िया सा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। पेशेंस के साथ में आपको स्टॉक मार्केट में अगर बने रहेंगे बढ़िया सा रिटर्न मिलेगा। फ्रेंड्स अगर अभी तक अभी LIC का IPO आ रहा है, अभी तक आपने डीमैट का अकाउंट ओपन नहीं किया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पे आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके साथ में अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मेरे साथ में, आप व्हाट्सअप में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।